नेक्स्ट जो बहुत फेमस प्रॉब्लम है इसी में कि अगर ये जो प्लैंक है, ठीक है, ये प्लैंक है, इस पे एक नहीं कई आदमी आ जाए, ठीक है, चलो ये स्मूथ सरफेस पे प्लैंक रखा हुआ है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस पे या इस, ठीक है, या बोट को लेके इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक आदमी यहाँ है और वो मान लेता हूँ मैं 10 kg का है, वैसे 10 kg का आदमी बहुत ही कमजोर है, लीन थीन है, ठीक है, पर मान लो, और ये जो प्लैंक है उसका जो मास है वो 30 kg है, ठीक है ना, हैवी है। और यहाँ पर एक और है, ठीक है, और वो 5 kg का है, मान लिया मैं ये 5 kg का बच्चा है, और इसी की फैमिली का एक है, दुबली पतली फैमिली है, और उसकी ये 15 kg है, ठीक है, क्लियर है। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, और इसका नाम सी रख दो। ये जो है इंटरेस्टिंग बात है, जो बी वाला है वो सेंटर ऑफ मास पे ही है, बी वाला जो सेंटर है, अभी जो प्लैंक पे एक ही था, अभी इस प्लैंक पे 3 आ गए, पूरी फैमिली आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ए एंड बी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, ए एंड बी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, तो फाइंड द शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट इन बी, बी वाला किधर जाएगा और कितना डिस्प्लेस होगा। पोजीशन ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन, ए और बी अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड जो चाइल्ड है वो किधर डिस्प्लेस होगा और कितने से डिस्प्लेस होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो वह वाला जो मेथड है मैं उसी से अब सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर 3 है तो डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 मास M1 प्लस डिस्प्लेसमेंट D2 मास M2 और प्लस डिस्प्लेसमेंट D3 मास M3 और डिवाइडेड बाई इन सभी समेशन मासेस का समेशन M2 M3, ठीक है। अब ये जो इधर एक्सचेंज करेंगे और ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ म्यू 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा जिससे वो चलेंगे, तो स्मूथ सरफेस पे होने के लिए प्लैंक या तो इधर डिस्प्लेस होगा या तो इधर डिस्प्लेस होगा, वो तो मुझे सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो मैं प्लैंक को रफ सरफेस पे रख देता हूँ, ठीक है, प्लैंक को क्या करता हूँ, रफ सरफेस पे रख देता हूँ और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। तो अगर मैं प्लैंक को रफ सरफेस पे रख दिया और फिक्स कर दिया, तो अब ये फार्मूला लगा रहा हूँ, पहली बॉडी में इसको मान लेता हूँ, ये इसका मास कितना था, ये 15 kg का था, ये इधर जाएगा 10 m, इसकी लेंथ कंसीडर कर लो कुछ, ठीक है, तो ये जब इधर जाएगा तो 10 m गया, तो 10 m गया, इसका मास खुद 15 kg है और 10 m गया मतलब +10, राइट साइड प्लस, ये इधर आया तो ये खुद -10 और ये खुद -10 का है, प्लस तीसरा वाला जो प्लैंक है वो मूव नहीं किया, उसको मैं रफ सरफेस पे रख दिया हूँ। अब इन समेशन ऑफ मासेस, तो 10, 5, 20 और कितना हो गया, देखो इसका मास ये कितना था, 15 और 15, 30 और 30, 60, पूरा मास जो है वो 60 kg आ गया, ठीक है, पूरा मास वो 60 kg। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये 0 0 0 0 खत्म हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 और माइनस 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएगा प्लस प्लस 5/6 m डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कुल मिला के जो ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो किसका आता है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर गया होगा, समझना, प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर गया होगा, क्योंकि जो जो बच्चा था वो सेंटर ऑफ मास पर था, तो जब सेंटर ऑफ मास उधर जाएगा तो उतना ही बच्चा भी डिस्प्लेस होगा, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास इधर गया तो बच्चा का डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक जो है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा -5/6 m, मतलब जो बच्चा है वो -5/6 m वो लेफ्ट साइड इधर से शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड से स्प्लिट हुआ, ठीक है, क्लियर है। कुल मिला के जो प्लैंक है वो इधर शिफ्ट हुआ होगा निगेटिव I कैप, और बच्चा भी बीच वाला भी वो भी नहीं चला, वो भी इधर ही शिफ्ट।